दक्षिण गुजरात उनाई माता मंदिर भाजप द्वारा काढ़ बिरसा मुंडा आदिवासी गौरव यात्रा राजपीपळा में पहुंचता भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत कर भाजप द्वारा विधानसभा चूंटणी की तैयारी भागरूपे उनाई माता मंदिर थी अंबाजी सुधीनी आदिवासी गौरव यात्रा आयोजन कर यात्रा नर्मदा जिला राजपीपळा दौलत बजार खाते पहुंचता कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत कर यात्रा में आदिजाति विभाग केन्द्रीय मंत्री रेणुका दीदी भरूच लोकसभा सांसद मनसुख भाई वसावा छोटाउदेपुर लोकसभा सांसद गीताबेन राठवा भारतीय जनता पार्टी नर्मदा जिला प्रमुख घनश्यामभाई पटेल गुजरात प्रदेश आदिजाति मोर्चा प्रमुख हर्षद भाई वसावा सहित मोटी संख्या में कार्यकर्ताओं होद्देदारों जोड़ाया था। आदरणीय भूपेन्द्र भाई पटेल आदरणीय नरेश भाई पटेल नेतृत्व में आदिवासी समाज नू जे विकास अने एमने एने लगता जे कामों करिया छे जे अहीं आपणे कहीए छे कि राज्य सरकार अने केन्द्र सरकार बन्ने सरकारों मळीने डबल एंजीन नी सरकारे जे समग्र आदिवासी पट्टा पर काम कर्युं छे एनुं परिणाम साचे मळवानुं छे। आजे अमे जे शरूआत करी छे रथयात्राना मध्ये जेमां दरेक जग्या पर अमारी सभाओनी अंदर एना वीडियो तमे जोई सको छो कि केटली मोटी संख्यानी अंदर हजारोनी संख्यानी अंदर वन बंधुओ आवीने आदिवासी लोको आवीने आ रथयात्रानुं सन्मान करी रह्या छे। ए ज बतावे छे कि आटलू उमरका भेर उत्साहभेर ज्यारे आ रथनुं सन्मान थतुं होय तो ए समझे छे कि भारतीय जनता पार्टीना माध्यमथी आदिवासी समाजनुं हित समायेलुं छे। कंईक पण करशे तो भारतीय जनता पार्टी ज अमारा समाज माटे करशे ए विश्वास आदिवासी समाज ने चोक्कस आवी गयो छे। अने आपणे जे पण कंई कदाच अहींया कोई चालता हशे कि जेमनी अमे कहीए छीए कि जेमनी दुकानो नथी अने माल वेचवा बेठा छे एवी हराजीओ करे छे एमनी कोई दुकान चालवानी नथी। ओके थैंक यू। जनजाति इस बार गुजरात चुनाव में एक बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी क्योंकि 2022 में जो आज़ादी का हमने जो 75वां वर्ष मनाया माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी ने ट्राइबल समाज की एक बहन को जो छोटे से परिवार की है छोटे गांव की है एक पार्षद से वो राज्यपाल पद पर काम करते हुए उन्होंने बहुत अच्छे से अपने काम को किया है उन्हें राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठाया है वहाँ तक पहुँचाया है तो इससे पूरा ट्राइबल समाज हर्षित है गौरवान्वित हो रहा है। तो ट्राइबल समाज इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी और हम 8-8 मंत्री माननीय मोदी जी की सरकार में पूरे देश में घूम के काम कर रहे हैं और आदिवासियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया है। कई स्थान पर ऐसा होता है जैसे मैं छत्तीसगढ़ की ही बात कर रही हूँ, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के झूठे बहकावे में जनता आ गई और वहाँ पर उनकी सरकार बन गई लेकिन आज लोग पछता रहे हैं कि हमने गलत किया है। आप कांग्रेस को कहीं देख रहे हैं जहाँ जहाँ कहीं कांग्रेस आपको दिखाई दे रही है और आज क्षेत्रीय पार्टी जैसे कांग्रेस की स्थिति हो गई है। राजस्थान है छत्तीसगढ़ में अभी उनकी सरकार है लेकिन 2023 में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे तो वहाँ भी कांग्रेस अब पतन पर चली जाएगी।